हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से कुछ महीने पहले अपेंडिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था। और इसी मंथ में आपका अक्टूबर में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट किया गया। और फाइनली आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ECIL का ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिक कर दी गई है, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो नोटिफिकेशन में ही आपको बता दिया गया था कि टेंटेटिव जो आपका ज्वाइनिंग डेट रखा गया है वो आपको 1 नवंबर के आसपास का रखा गया है, कि 1 नवंबर के आसपास आपको यहाँ पे ECIL अपेंडिसशिप का सेशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और फाइनली अब यहाँ पे अक्टूबर भी एंड होने वाला है, और अक्टूबर एंड होते आपका जैसे ही न्यू मंथ आएगा आपका नया जो बैच है ट्रेनिंग का अपेंडिसशिप के रिगार्डिंग वो भी शुरू हो जाने की पूरी संभावना है। तो ये जो ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट है वो इसका ऑफिशियल साइट पे भी आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे विजिट कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट आपको, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट के साथ साथ आपको कट ऑफ भी दिया गया, और कट ऑफ तो देख के आप दंग रह जाएंगे, इतना ज़्यादा कट ऑफ, यकीन मानिए रेलवे से भी ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ देखने को आ रहा। और कट ऑफ 2 सेक्शन में रिलीज किया गया, एक आपका GOBT मतलब गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ITI से जो किए उनका कट ऑफ अलग, और प्राइवेट लिमिटेड से जो किए हैं ITI उनका कट ऑफ अलग, 2 सेक्शन में यहाँ पे कट ऑफ रिलीज किया गया है। तो धैर्य बनाकर रखिए, सारा कुछ कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि ज्वाइनिंग का जो डेट है, कब आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना है और कहाँ जाना है, ये आपको ऑफिशियली जो ऑफिशियल मेल आएगा आपके ईमेल ID पे जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम दिया था, तो इस टाइम टू टाइम अपना जो मेल ID है उसको चेक करते रहिएगा ताकि जो फर्दर का इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेल ID पे आए। अगर मेल ID पे आता है तो आप हमारे ऑफिशियल ईमेल ID profitstudy22@gmail.com पे जरूर से जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि आपके सहयोग से हम सभी कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर सके। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप लिस्ट को देखते जाते हैं। जो आपका पब्लिक किया गया है 25 अक्टूबर के डेट में, अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ITI ट्रेड अपेंडिसशिप सेलेक्शन फॉर द ईयर ऑफ 2022-23 आपका सेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट यहाँ पे देखिए, सब्सिक्वेंटली टू ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्ड ऑन 20 और 21 अक्टूबर मतलब 20 और 21 के डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, द फॉलोइंग कैंडिडेट आर प्रोविजनली सेलेक्टेड, यही जो फॉलोइंग कैंडिडेट हैं वो सभी यहाँ पे सेलेक्टेड है। बात करेंगे यहाँ पे आपको क्या क्या देखने मिलेगा, तो एप्लीकेशन नंबर, सीरियल नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं, सबसे पहले आपको कोपा ट्रेड को वाले को यहाँ पे रखा गया, जिसमें 19 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। पहले कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम कटअप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डीजल मैकेनिक में मात्र 3 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है। इलेक्ट्रीशियन से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रीशियंस में आपको अच्छा खासा सेलेक्शन देखने को मिलेगा, 50 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से आपको यहाँ पे टोटल 96 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, कितना 96 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। चलिए स्क्रॉल करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो फीटर से देख लीजिए, तो फीटर में आपको 49 कैंडिडेट मिलेगा, कितना 49 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें मैकेनिस्ट से, तो मैकेनिस्ट आपको 9 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अगर मैकेनिस्ट इससे देखें तो आपको 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। बाकी अगर नेक्स्ट स्क्रॉल करके नीचे बढ़ते हैं तो RNC से आपको 9 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। वहीं टर्नर से आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 9 9 कैंडिडेट यहाँ पे नाम दिया गया है, पर यहाँ पे तो 3 ही कैंडिडेट दिख रहा है, कुछ सीरियल नंबर में प्रॉब्लम है, तो टर्नर वाले एक बार देख लेंगे। अच्छा यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो आपको यहाँ पे इसमें आपको टोटल 11 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। वेल्डर, वेल्डर का बात करें तो 15 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। वहीं अगर आप देखिए आते हैं कि कट ऑफ का डिटेल के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा, और बहुत ही खतरनाक कट ऑफ आपको इसमें देखने को मिल रहा है इस बार। हालांकि कट ऑफ जो है हाई जाने का रीज़न है, क्योंकि अगर जब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जो ITI से किए हैं सभी, अगर उन सभी को मिला दिया जाता तो हो सके कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिलता, क्योंकि सेपरेट सेपरेट करने के कारण ही कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए डिटेल ऑफ द कट ऑफ मार्क्स अगर इसमें बात करेंगे, सबसे पहले तो इलेक्ट्रीशियन का आता है, तो इलेक्ट्रीशियन का अगर गवर्नमेंट से बात करेंगे तो देखिए 91 यहाँ कट ऑफ देखने को मिल रहा है, और प्राइवेट से भी आपका 91 कट ऑफ देखने को मिल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट में आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, प्राइवेट में कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, EWS से आपका 77 है, OBC से आपका 84, SC से आपका 89, और ST से आपका 88, और PWD से 80 आपका यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल रहा है। तो आप सभी ध्यान से समझ लीजिए कि
जिस भी ट्रेड से आप यहाँ पे अप्लाई किए थे, कट ऑफ कितना गया और आपका कितना परसेंट पे सिलेक्शन हुआ है, अभी हम कमेंट करके जरूर बताएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का बात करें तो गवर्नमेंट में देखिए 83, प्राइवेट में आपका 80 पे ही सिलेक्शन हो गया। अभी हम अनरिजर्व का बात करते हैं, बाकी आप जो भी OBC ST SE EW जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर हम फीटर का बात करें तो फीटर का देखिए 87 और यहाँ पर भी 87 देखने को मिल रहा है। RNC का बात करेंगे तो 84 देखिए गवर्नमेंट में, पर 79 में आपका प्राइवेट में सिलेक्शन हो गया। MMB का बात करें तो गवर्नमेंट में आपका 85 है। टर्नर से बात करें गवर्नमेंट में आपका 89 और प्राइवेट में 77 देख रहे हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट में आपको 4 से 5% का फासला यहां पे देखने को मिल रहा है। मैकेनिक से बात करेंगे तो गवर्नमेंट में आपको 87 और प्राइवेट में 87% का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कोपा से, तो कोपा में आपको देखिए 95 चला गया गवर्नमेंट। ओ माय गॉड, 95% कट ऑफ देखने को मिल रहा है। सोचिए तो दिन पर दिन कितना कट ऑफ आगे भागते जा रहा है। अगर सोचिए जिनका 60-70% बन रहा है उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं दिख रहा है इसमें कि उनका सिलेक्शन होगा। फिर भी उम्मीद एक आस होती है जो हमेशा होना चाहिए कि हाँ आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल तो ज़रूर होगा। ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट को मिला देने के कारण ही इतना कट ऑफ हाई जाने का यहाँ हाई आपको देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर प्राइवेट से बात करते हैं तो प्राइवेट में देखिए 80 पे 90 पे ही सिलेक्शन हो गया, पर गवर्नमेंट में 95 पे हुआ। मैकेनिक डीजल का अगर बात करें तो गवर्नमेंट में आपका 93 और प्राइवेट में आपका 85 देख रहे हैं, 5 और 3 8% का अंतर है। वेल्डर से अगर बात करें तो गवर्नमेंट में 89, प्राइवेट में आपका 81। पेंटर से बात करें तो गवर्नमेंट में आपका 78.79% पे सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारा आपका लिस्ट है। यहाँ अगर सबसे हाई कट ऑफ का बात करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो है कोपा में देखने को मिलेगा, सबसे हाई कट ऑफ यहाँ पे कोपा से देखने को मिल रहा है। देखिए कट ऑफ जो है वैकेंसी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पे जो कोपा ट्रेड है उसमें वैकेंसी कम थी इसलिए यहाँ पे कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। जहाँ वैकेंसी कम रहता है वहाँ पर कट ऑफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, और जहाँ वैकेंसी ज़्यादा रहती है वहाँ कट ऑफ जो है कुछ मुकाबले आपको कम देखने को मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग कब आपको ज्वाइन करना है वो आपको मेल आईडी चला जाएगा मेल पे आपके। तो प्रोविजनल सेलेक्टेड फॉर लेटर आर बीइंग टू सेंड टू दी मेल आईडी एंड कैंडिडेट एज मेंटेन इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट एडवाइज टू रेफर दी सेम फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन। देखिए जो भी आपको DV के टाइम इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिया गया होगा सारा को फॉलो करना है, सारा को डॉक्यूमेंट लेके जाना है, बैंक पासबुक वगैरह सारा का ख्याल रखना है, आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो ये सभी चीज़ आपको ज्वाइनिंग के टाइम अपने लेके जाना है। और ऐसे भी जो आपको मेल आएगा सारा इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा। मेल आने पर हमारे profitacademy@gmail.com पर जरूर जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड करिएगा तो वहाँ मिल जाएगा। डेट 25 तारीख का डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। रेलवे से अभी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकला गया, अब तक अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, ताकि जो लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में सर्वर बिजी हो जाता है, एरर प्रॉब्लम आने लगता है। तो 29 तारीख तक अगर हम बात करें तो लास्ट डेट है आपका ईस्टर्न रेलवे का। ईस्टर्न रेलवे का आप सभी सावधानीपूर्वक फॉर्म फिलअप करिएगा, छोटा सा गलती भी आपका फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर सकता है। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ज्वाइनिंग नेक्स्ट मेरिट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।